Good morning friends, today we will discuss the topic reduction of context free grammar. This topic is related to the compiler design subject aur is subject se related jitne bhi topic honge one by one we will discuss all the topics. So first of all we will discuss this topic reduction of context free grammar. So friends, reduction of context free grammar mein hota kya hai ki hum जो भी ग्रामर हमें दी होती है हमें उससे यूजलेस सिंबल्स को रिमूव करना होता है जिससे कि हमारी जो रिड्यूसिंग ग्रामर हो उसके कंटेंट पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और जो भी वो प्रोडक्शन करना चाह रही हो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें रिडक्शन करना होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का. तो फ्रेंड्स होता क्या है, मतलब सिंपल सी बात है, हमें इस तरीके से रिड्यूस करनी होती है ग्रामर को कि लैंग्वेज जनरेशन की जो पावर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो इसके लिए तीन चीजें होती है फ्रेंड्स. फर्स्ट पॉइंट है एलिमिनेटिंग द यूजलेस सिंबल, सेकंड होता है एलिमिनेटिंग द नल प्रोडक्शंस, एंड थर्ड वन इज एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन. ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर एलिमिनेटिंग द यूजलेस सिंबल. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि यूजलेस सिंबल्स होते कौन से हैं. यूजलेस सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो आगे कोई भी ग्रामर जनरेट नहीं करते हैं और नॉन रीचेबल सिंबल होते हैं. इट मीन्स कि जिस ग्रामर का फर्दर कोई यूज नहीं होता है या कोई ग्रामर जनरेट नहीं कर रहा होता है या कोई भी टर्मिनल सिंबल नहीं जनरेट कर रहा होता है, उन सिंबल्स को, उन ग्रामर्स को हमें उन प्रोडक्शंस को हमें रिड्यूस करना होता है. तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हमें एक ग्रामर दी हुई है एस टेंस टू ए बी ए और ए टेंस टू स्मॉल बी. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं जो कैपिटल सिंबल्स होते हैं, जिन कैपिटल लेटर्स होते हैं जिनसे कोई ना कोई ग्रामर जनरेट हो रही होती है, और एक होते हैं टर्मिनल सिंबल. दिस टाइप ऑफ सिंबल ये कोई सोर्स लैंग्वेज नहीं होती, सोर्स प्रोडक्शन नहीं होती, हमेशा जेनेटिक टर्मिनल सिंबल्स होते हैं. तो ये एक स्ट्रिंग बनती है टर्मिनल्स की. तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर सोर्स प्रोडक्शन को देखें तो सोर्स प्रोडक्शन में हमारे दो वेरिएबल्स, दो नॉन टर्मिनल्स हैं, ई बी जो कि कैपिटल है एंड एक हमारे टर्मिनल स्ट्रिंग है दैट इज ए, एंड हमारा दूसरा प्रोडक्शन है कैपिटल ए टेंस टू बी. तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले सोर्स सिंबल को देखते हैं तो सोर्स सिंबल में कैपिटल ए कैपिटल बी आता है जबकि बी सिंबल हमारा फर्दर कहीं यूज ही नहीं हो रहा है. तो इट मीन्स बी हमारा यहाँ पर यूजलेस सिंबल है. तो हम यहाँ पर ये बी को यूज नहीं करेंगे और जितने भी बी के साथ कोई भी नॉन टर्मिनल एडिड है या कोई भी नॉन टर्मिनल उसके साथ है तो हमें उसे भी रिमूव करना होगा. तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम बी को रिमूव करेंगे तो एज वेल एज हमें ए को भी रिमूव करना पड़ेगा, इस पूरे ग्रामर को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. तो जब हम इसे हटा देंगे तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा एस टेंस टू ए और ए टेंस टू बी. अब देखिए फ्रेंड्स, जब यहां से बी भी हट चुका है और हमारा ए वाला ग्रामर भी हट चुका है तो इस ग्रामर का भी हमारा कोई यूज नहीं है, तो सिर्फ हमारा ग्रामर रह जाता है दिस एस टेंस टू ए. ठीक है फ्रेंड्स, समझ आता है. दोबारा बता देते हैं, यूजलेस सिंबल को हमें रिमूव करना होता है जो भी सिंबल्स हमारे कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे होते हैं, आगे कोई भी डराइव नहीं कर रहे होते हैं, नॉन जनरेटिंग सिंबल होते हैं, नॉन रीचेबल सिंबल होते हैं, उन्हें हमें अपनी ग्रामर से रिमूव करना होता है. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने सोर्स सिंबल को देखते हुए चलते हैं तो सोर्स सिंबल में देखिए बी आ रखा है लेकिन यहाँ से बी नॉन टर्मिनल से कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है. तो यहाँ से हम सबसे पहले बी को रिमूव करेंगे लेकिन बी को रिमूव करने के साथ साथ उस पूरी ग्रामर को हमें रिमूव करना होता है. तो हम इस ए बी पूरी ग्रामर को रिमूव कर देंगे तो एस टेंस टू ए रह जाएगा और ए टेंस टू बी हमारा ऑलरेडी गिवन है. तो आप देखिए फ्रेंड्स, जब सोर्स सिंबल में ही हमारा ए प्रोडक्शन नहीं है तो हम इसे भी लेने का हमारा कोई यूज नहीं है, तो सिर्फ हमारी ग्रामर रह जाएगी एस टेंस टू ए. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इसी के लिए. ये देखिए, एस टेंस टू ए बी बी एक्स, कैपिटल ए टेंस टू बी ए डी बी एस एक्स ए, बी टेंस टू ए एस बी 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 एक्स, एक्स टेंस टू एस बी डी ए बी एक्स और ए डी. अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम सोर्स सिंबल की तरफ चलते हैं तो पहले ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि सोर्स सिंबल में हमारे कौन कौन से सिंबल है. तो सोर्स सिंबल में अगर हम कैपिटल नॉन टर्मिनल्स की बात करें तो हमारा बी है. ठीक है फ्रेंड्स, तो बी प्रोडक्शन हमारा अभी रहने वाला है लेकिन ए और सॉरी ए अभी नहीं है, बी भी है
और कैपिटल एक्स भी है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा अभी ए नॉन टर्मिनल सिंबल इसमें नहीं है। तो जब सोर्स से ही हमारी ग्रामर बननी शुरू होती है, ग्रामर जनरेट होनी शुरू होती है, जब हमारे सोर्स सिंबल में ही ए नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं है, तो हम इस ग्रामर को जनरेट नहीं करेंगे, हम इस पूरी ग्रामर को जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। तो जब हम इसे यूज ही नहीं करेंगे, तो हम इस ग्रामर को अपने प्रोडक्शन से ही हटा देते हैं, हम अपनी लैंग्वेज से ही हटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बी और एक्स, अब आपको पहली चीज हमने ये बताई थी कि अगर सोर्स सिंबल में ही कोई सिंबल नहीं आ रहा है, कोई नॉन टर्मिनल नहीं आ रहा है, जो रीचेबल ही नहीं है, उसको हम हटाना है। सेकेंड चीज हमें देखनी है कि सपोज करो हमारे सोर्स सिंबल में कोई नॉन टर्मिनल सिंबल आ भी रहा है, लेकिन वह नॉन रीचेबल है। नॉन रीचेबल का मतलब है कोई टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं कर रहा है, उस सिंबल को भी हम अपनी लैंग्वेज में कंसीडर नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो द यूजफुल सिंबल। हाउ, सपोज करो ये बी है, यहां पर भी बी आ रहा है, अब हमने बी से जनरेट तो कर दिया, पर बी के लास्ट में कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है, तो हमारा बी भी यूजलेस सिंबल होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बी हमारा प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन कहीं भी नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग कहीं भी यूज नहीं हो रही है इसमें, यानी कि टर्मिनल कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है, जैसे कि एक्स में हो रही है। एक्स में देखिए फ्रेंड्स, एक्स में हो रही है टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, जबकि बी में हमारी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इस प्रोडक्शन को भी कंसिडर नहीं करेंगे, बी प्रोडक्शन को भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब ए को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं और बी को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो बी को हमें यहां से रिमूव करना होगा, और बी को रिमूव करना होगा तो हमें टर्मिनल सिंबल ए को भी रिमूव करना होगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा सिंपल क्या रह जाता है, एस टेंस टू बी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स एक्स में देखिए एक सिंबल है, एक ग्रामर है एस बी डी। जब हमारा बी नॉन टर्मिनल है ही नहीं, तो हमें इसे यूज करने का कोई फायदा नहीं है। ए बी एक्स, बी हमारा है ही नहीं, तो बी को भी हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारी जो फाइनल ग्रामर बनेगी फ्रेंड्स, वो बनेगी एस टेंस टू बी एक्स, और हमारा सेकेंड बनता है एक्स टेंस टू ए डी। दिस विल बी द फाइनल ग्रामर फॉर अस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा एक है एलिमिनेटिंग द यूजलेस सिंबल, जो हमारे रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में यूज होता है। तो आई होप अंडरस्टैंड, आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल बाय यू, और आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।